हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन थापा टेक टॉक्स एपिसोड नंबर 4। जी हाँ गाइस, तो पिछले हफ्ते में जितना भी ऑसम टेक रिलेटेड न्यूज कह लीजिए या प्रोग्रामिंग रिलेटेड न्यूज, उन सबको मैं लेके आ चुका हूँ एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड आप लोगों के समक्ष उसको प्रस्तुत करने के लिए एंड आई रियली होप कि आप भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड हो। ऑल राइट गाइस, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहला न्यूज आता है फ्रॉम एडोबी। जी हाँ गाइस, ये न्यूज जस्ट दो दिन पहले का ही है, बहुत ही बिग एंड ब्रेकिंग न्यूज है एंड दैट इज की गाइस एडोबी ने फिग्मा को एक्वायर कर लिया। जी हाँ गाइस, आई नो गाइस ये बहुत शॉकिंग न्यूज है राइट, क्योंकि एक साल पहले तक लाइक बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामर्स कह लीजिए डेवलपर्स हर एक जगह पे एडोबी XD वर्सेस फिग्मा वर्सेस स्केच इनके बीच में प्रो कंपटीशन चलता रहता था कि कौन बेस्ट UI फ्रेमवर्क उस तरीके से हम उसमें डिजाइन कर सकते थे राइट। तो बट गाइस स्केच तो कह लीजिए कि मोस्टली वो मैकबुक यूजर वालों के लिए था, लेकिन एडोबी XD एंड देन फिग्मा के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन एंड फिग्मा जीतेगा कोई XD जीतेगा कहते थे, लेकिन अब गाइस एडोबी ने फिग्मा को कर लिया है एक्वायर, तो नाउ देर विल बी नो मोर कॉम्पिटिशन एंड बेस्ट पार्ट हमारे लिए ही अच्छा है क्योंकि उन दोनों ने कहा कि हम दोनों का विजन सेम है, दैट इज योर एडोबी एंड फिग्मा का एंड दैट इज गाइस टू रीइमेजिन द फ्यूचर ऑफ द क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी एंड एक्सक्लूडेड द क्रिएटिविटी ऑन द वेबसाइट। जी हाँ गाइस, तो उन दोनों का मेन मोटू मेन विजन यही है एंड लेट्स सी गाइस आगे जाके ये जो रीइमेजिनेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ क्रिएटिविटी की जो बात कर रहे हैं लेट्स सी कैसा होता है। लेकिन आपका क्या राय है गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आप एडोबी XD प्रीफर करते थे या फिग्मा, आप हालांकि दोनों एक ही हो चुका है। All right guys, तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड न्यूज की तरफ जो कि फॉर रिएक्ट डेवलपर्स। जी हाँ गाइस, तो रिएक्ट रिलेटेड अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है हम क्या करते हैं, हम हमारे जो रिएक्ट को ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करते हैं, वहां पे चेकआउट करते हैं एंड दैट्स इट राइट। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि पिछले कुछ महीनों से रिएक्ट अपना एक न्यू ऑफिशियल वेबसाइट पे काम कर रहा है जिसका नाम उन्होंने बीटा रिएक्ट डॉक्स रखा है, ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप अभी भी एक्सेस कर सकते हो एंड गाइस उसमें बहुत सारे न्यू फंक्शनैलिटी, यूजर इंटरफेस, अब आप डायरेक्टली वहां पे कोड को रन कर सकते हो, डार्क मोड एनेबल, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिलने वाला है। हालांकि अभी भी ये जो साइट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको बहुत जगह पे वो दिखाई देगा, लेकिन गाइस इसका जो फर्स्ट ग्लैंस है वो आप देख सकते हो एंड इसमें ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मे बी हमारे अभी जो करंट वेबसाइट उसमें ना हो बट इसमें वो इंक्लूड किया गया, लाइक यूज कॉल बैक हुक्स एंड ऑल, ठीक है। आप देख सकते हो गाइस जो डैन है जिन्होंने रिएक्ट के हुक्स को क्रिएट किया देन रिडक्स देन, वो अभी इस पे काम भी कर रहे हैं, उन्होंने यूट्यूब वीडियो भी ऑफिशियल अपलोड किया था ये दिखाते हुए कि ऑफिशियल वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं बोल के। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा ऑसम है, इसमें बहुत सारे कुल फीचर्स आपको देखने मिलने वाला है, कोड आप रन कर सकते हो लाइक सेम W3 स्कूल की तरह, इसका जो लेआउट यूजर इंटरफेस बहुत ही ऑसम कर दिया है, मोस्टली फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर उन्होंने फोकस किया, तो गाइस इसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऑल राइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड न्यूज की तरफ जो भी आता है फ्रॉम next.js। जी हाँ गाइस, तो next.js का एक और ऑफिशियल वर्जन अपडेट हो चुका है एंड दैट इज योर 12.3, ठीक है, जिसमें से गाइस सबसे पहला है टाइपस्क्रिप्ट ऑटो इंस्टॉल। इसका मतलब ये कि गाइस अगर आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, जो मोस्टली आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कर रहे हो उसको, एंड आपको ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया कि अब आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको आपको टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है एंड जब आप उसको करोगे कन्वर्ट टाइपस्क्रिप्ट में तो गाइस उसमें बहुत सारे डिपेंडेंसीज है जो आपको मैन्युअली उसमें ऐड करना पड़ता है राइट। तो गाइस अब आफ्टर दिस अपडेट next.js ये बोलते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है तो जितने भी फाइल्स है उसका जो एक्सटेंशन होगा उसको .tsx में कन्वर्ट कर दो, जितने भी नेसेसरी डिपेंडेंसीज है उसको वो इंस्टॉल कर देगा ऑटोमेटिकली एंड साथ ही साथ आपके फोल्डर पे tsconfig.json फाइल जो है उसको भी वो ऐड कर देगा, तो नाउ अब आपको मेहनत इतनी नहीं लगने वाली। सो ये तो बहुत ही ऑसम न्यूज है एंड गाइस इसी में ही सेकेंड अपडेट ये आता है इम्प्रूव्ड फास्ट रिफ्रेश। इसका सिंपल मतलब है हॉट रिलोडिंग। जब भी हम रिएक्ट पे काम करते हैं आपको याद है कुछ भी हम चेंज करते हैं ऑटोमेटिक हमारा जो यूजर इंटरफेस है वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, बेसिकली ब्राउजर में वो अपडेट हो जाता है। तो गाइस अब next.js बोलता है कि जितने भी .env फाइल्स है, .env की वेरिएंट्स है या जितने भी आपकी jsconfig.json फाइल्स है या tsconfig.json फाइल्स है, तो इन तीनों में अगर आप किसी भी जगह पर अगर कुछ भी चेंज करते हो सो नाउ देर इज नो नीड टू रिस्टार्ट योर लोकल डेवलपमेंट सर्वर, वो ऑटोमेटिक चेंजेस आपको वहां पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा जो कि ऑसम न्यूज है। और अगर इसी में तीसरा अपडेट ये आता है कि आपका जो next forward slash
फ्यूचर फॉरवर्ड स्लैश इमेज वाला जो ये कंपोनेंट था, नाउ ये आपका स्टेबल हो चुका है। सो बेसिकली गाइस इन्होंने ऐसा बताया कि अगर आपको इमेज यूज करना हो नेक्स्ट डॉट जेएस में, तो अगर आप यहाँ से यूज करते हो बेसिकली इम्पोर्ट करके, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। लेट्स सी गाइस, अगर आपने ये यूज किया तो जरूर बताना। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि गाइस जो फ्यूचर अपडेट आने वाला है वहाँ पे नेक्स्ट के अगर आप नेक्स्ट जेएस यूज कर रहे हो तो वी हैव अ इमेज कंपोनेंट नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश इमेज, ऐसे हम इम्पोर्ट करते थे तो बेसिकली उसका वो रीनेम करेंगे कह रहे। अब जो नेक्स्ट स्लैश इमेज था उसका रीनेम हो जाएगा नेक्स्ट स्लैश लेगेसी स्लैश इमेज। एंड अभी जस्ट जो स्टेबल वर्जन में हमें मिल रहा है इमेज स्लैश फ्यूचर स्लैश इमेज, उसको लोग रीनेम कर देंगे नेक्स्ट स्लैश इमेज में। सो आई नो गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा लग रहा है, बट इट डजेंट मैटर, लेकिन ये अपडेट है तो गाइस आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। इन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइस एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, आप नेक्स्ट डॉट जेएस को ज्यादा प्रीफर करते हो या रिएक्ट जेएस अगर आपको अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करना है? अगर आप नेक्स्ट डॉट जेएस पसंद करते हो तो गाइस कमेंट करके बताना आई लव नेक्स्ट डॉट जेएस। एंड अगर आप रिएक्ट जेएस यूज करते हो तो गाइस सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लेट्स सी कमेंट ज्यादा होता है लाइक ज्यादा होता है। और गाइस तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि आता फ्रॉम रिएक्ट राउटर वर्जन 6.4। जी हाँ गाइस, तो रिसेंटली वी हैव अ रिएक्ट राउटर वर्जन 6 एंड टोटली बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे उसमें, बहुत ज्यादा मीन्स हाँ तभी बहुत ज्यादा कह सकते हो। एंड ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने सीरीज अपलोड किया है बेसिकली, तो अपने यूट्यूब चैनल थापा टेक्निकल पे उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिसेंटली उनका एक नया अपडेट आया है एंड दैट इज बेसिकली वर्जन कह सकते हो 6.4। ठीक है, इसमें उन्होंने कुछ दो तीन चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है जो आई थिंक आप जरूर यूज करना चाहोगे, जिसमें से सबसे पहला है रिएक्ट राउटर लोडर। बेसिकली आप इसको एक एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी कह सकते हो रूट एलिमेंट का। लेट्स से कि कल के दिन आप सर्विस पेज पे हो, यू नो पाथ आपका फॉरवर्ड स्लैश सर्विस है, एंड वहां पे आप क्या कर रहे हो, आपने एक API क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट, API को आप कॉल कर रहे हो एंड आपकी जो भी सर्विसेस है उसको आप वहां पे डिस्प्ले करा रहे हो। मतलब यही कि फर्स्ट टाइम कोई अगर पेज पे विजिट करेगा सर्विस वाले, तो वो API का डेटा बाय डिफॉल्ट वहाँ पे पहले से दिख जाना चाहिए, मतलब पहली कॉल हो जाना चाहिए पेज लोड होने पे। तो यूज इफेक्ट हम यूज करते थे, API कॉल करते थे एंड मैपिंग एंड ऑल करके डेटा दिखा देते थे। तो अब विद द हेल्प ऑफ दिस लोडर प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट आप कह लीजिए, अब आप यूज इफेक्ट यूज मत करो ऐसा वो कह रहे हैं। वो बोलते हैं कि डायरेक्ट जो लोडर प्रॉपर्टी है उसके अंदर ही आप वो जो फंक्शनैलिटी उसको डिफाइन कर दीजिए एंड डेटा रिटर्न कर दीजिए जो आपको API के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, तो अब जब आप सर्विस पेज पे जाओगे तो गाइस वो जो डेटा जो आपको API के थ्रू मिला उसको आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूज लोडर डेटा हुक। जी हाँ गाइस, एक और न्यू हुक आ गया है यहाँ पे, दैट इज यूज लोडर डेटा हुक, राइट। तो इजीली आप वो डेटा एक्सेस करके उसको देन गाइस आप डिस्प्ले करा सकते हो उसकी जो भी डेटा होगा उसके अंदर। एंड अगर आपको लगे कि कुछ एरर है अगर उसमें एंड मुझे 404 एरर पेज या एरर थ्रो कराना, तो गाइस वो भी आप कस्टम एरर इस पे थ्रो करा सकते हो। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके बताना गाइस कि आप ये यूज करना ये प्रीफर करोगे या नहीं, या ट्रेडिशनल आप डायरेक्टली पेज में यूज इफेक्ट कॉल करके या कॉन्टेक्स्ट API वाला फंडा अपनाओगे। एंड गाइस इसी में सेकेंड अपडेट ये आया है कि अब ये बोलता है कि सबमिट जब आप कोई भी फॉर्म को करते हो तो अब वो ये बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ ऑन सबमिट हैंडलर गाइस जब भी हम फॉर्म टैग लिखते हैं तो वी हैव अ एक्सेल प्रॉपर्टी एंड देन मेथड वाला होता है। तो एक्सेल में गाइस आप फॉरवर्ड स्लैश आप कोई पाथ का नाम दे दीजिए एंड रूट में आप उसको डिफाइन कर दीजिएगा, एंड जब भी कोई फॉर्म को सबमिट करेगा अब वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म को सबमिट कर देगा तो वो जो एक्सेल में आपने जो रूट डिफाइन किया वहां पे आप उस फंक्शन को डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो एंड वहां से आपका डेटा बैकएंड में ऐड करना है या क्या करना है वो सारी फंक्शनलिटी बेसिकली आप वहां पे ऐड कर सकते हो। सो गाइस ये जो अपडेट था जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना तो मैंने किया। एंड ऑफिशियल जो इसका लिंक है रिएक्ट राउटर वर्जन 6.4 का मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको और अपडेट के बारे में जाना हो तो जरूर रीड आउट कीजिएगा। और गाइस तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि आता है फ्रॉम व्हाट्सएप। जी हाँ गाइस, प्रीवियस जो एपिसोड्स था थापा टेक टॉक्स उसमें मैंने आपको व्हाट्सएप के 3 ऑसम अपडेट्स बताए थे, गाइस अभी तक चेकआउट नहीं किया तो प्लीज वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब एक और नया अपडेट ये आ रहा है एंड ऑफिशियली वो रिलीज नहीं हुआ, बीटा वर्जन में ऐसा बताया गया है बेसिकली किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है, जहां पे पहले प्रॉब्लम ये था कि गाइस अगर आप व्हाट्सएप में कोई भी डेटा को बैकअप करते थे तो वो बेसिकली आप गूगल ड्राइव पे बैकअप करते थे एंड देन वहां से डेटा को वापस इंपोर्ट करके दूसरे मोबाइल में अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट होता था, थर्ड पार्टी ऐप्स लगती थी। तो उसी को ही और ज्यादा सिंप्लीफाइड करने के लिए तो आप देख सकते हो व्हाट्सएप का जो वर्जन है दैट इज 2.22.13.11,
वहां पे गाइस जब भी उस वर्जन के बाद अगर आप किसी मोबाइल में अपने व्हाट्सएप को सेटअप कर रहे होंगे तो आपको गाइस एक डेडिकेटेड बटन दिखाई देगा इंपोर्ट का। तो आप अगर इंपोर्ट के थ्रू अपना जो डेटा का जो बैकअप है, जो चैट बैकअप है, उसको आप बहुत इजीली इंपोर्ट कर सकते हो एंड ये बहुत फायदेमंद रहेगा, लिटरली मैं बता रहा हूँ। सो गाइस आपको क्या लगता है ये फ्यूचर कैसा है व्हाट्सएप की तरफ से, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि आता है फ्रॉम जेम्सटेक कॉन्फ्रेंस 2022। जी हाँ गाइस, तो बेसिकली एवरी ईयर ये जो कॉन्फ्रेंस जेम्सटेक का वो होता है एंड दिस ईयर ये जो कॉन्फ्रेंस है गाइस ये आपका होने जा रहा है ऑन 7th and 8th November 2022। एंड दिस टाइम गाइस ये बेसिकली ऑफलाइन मोड में होने वाला है जहाँ पे बहुत सारे बेसिकली दो दिन का ही ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें वी हैव मल्टीपल वर्कशॉप, बहुत सारे स्पीकर्स आएंगे फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज कम्युनिटीज। तो बताया गया कि गाइस अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट आप बेसिकली टिकट्स को बाय कर सकते हो। एंड जब मैंने टिकट्स देखा तो मैं तो थोड़ी देर के लिए डर गया, लाइक इट्स लिटरली बहुत महंगा था, 599 समथिंग कुछ वैसा है। हाँ, लेकिन वी हैव वन फ्री टिकट्स, एक फ्री ऑप्शन है हमारे पास जिसको आप फ्री में गेट कर सकते हो। उसमें यह बताया गया है कि ये जो दो दिन का वर्कशॉप है, डे वन नहीं बट डे टू को आप वर्चुअली लाइव देख सकते हो। तो गाइस आप देखना पसंद करोगे, ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या आप ये कॉन्फ्रेंस वॉच करने वाले हो या नहीं। ऑल राइट गाइस, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि आता है फ्रॉम स्टारबक्स। आई नो गाइस आपको याद होगा मैंने एक वीडियो अपलोड किया था हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर इन न्यूयॉर्क यूएसए। सो उसमें हमना को मैंने ऐड किया था एंड सी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टारबक्स, उसके लिए भी उन्होंने काम किया था। तो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ज्यादा ऑसम है। सो गाइस अब फाइनली इंडियन ओरिजिन सीईओ का ये जो सिलसिला है उसको कंटिन्यू रखते हुए वी हैव स्टारबक्स सीईओ जो कि एक इंडियन ओरिजिन है, उनका नाम है एन लक्ष्मण। जी हाँ गाइस, तो स्टारबक्स के भी जो सीईओ है वो भी एक इंडियन ओरिजिन होने जा रहे। सो बेसिकली एन लक्ष्मण जी जो है वो फ्रॉम लंडन टू सिएटल आने वाले हैं ये सीईओ का पद संभालने के लिए एंड 1st October 2022 से वो एज एन इनकमिंग सीईओ की तरह जो बेसिकली जो इनकमिंग सीईओ का जो रोल है उसको प्ले करने वाले। अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्या चीज़ है भाई, ये कौन सा सीईओ है। सो बेसिकली बताना चाहूँगा इनकमिंग सीईओ मतलब ये कि जो अभी फिलहाल करेंट सीईओ है स्टारबक्स की, डेट इज़ योर एस हॉवर्ड। तो ये जो करेंट है एंड देन ये जो इनकमिंग है ये दोनों मिलके काम करने वाले हैं जब तक एन लक्ष्मण जी जो है उनको ऑफिशियल बोर्ड मेंबर का जो सीटें मिल नहीं जाता एंड वो उनको मिलने वाला 1st April 2023 एंड आई थिंक फ्रॉम दैट डे ऑफिशियल सीईओ हो जाएंगे हमारे एन लक्ष्मण जी। सो मेरे हिसाब से गाइस ये बहुत ही ज्यादा खुशी की खबर है कि लाइक वी हैव अ माइक्रोसॉफ्ट गूगल बेसिकली हर जगह तो मोस्टली इंडियन ओरिजिन ही है, तो स्टारबक्स के भी फाइनली इंडियन ओरिजिन सीईओ बनने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि आता है फ्रॉम स्नैप। आपने स्नैपचैट सुना होगा राइट, प्रीवियस ईयर उनका बहुत अच्छा चल रहा था ऐसा कहा गया था, लाइक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बेसिकली स्नैपचैट भी बहुत पॉपुलर है बेसिकली फॉरेन में तो, एंड उनकी जो यूजर्स है मंथली यूजर्स कह लीजिए वो भी बहुत ऑसम था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि 20% एम्प्लॉय को वो फायर करने वाले हैं एंड अगर हम उसका इन जनरल नंबर्स काउंट करें तो कुछ 6400 एम्प्लॉयज़ होते जो कि बहुत बुरी खबर है। एंड उसके पीछे का रीज़न ये बताया गया है कि गाइस ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 वहाँ पे उनका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 80% कम हो चुका, माय गॉड ये बहुत ज़्यादा होता है। तो यही प्रॉब्लम को देखते हुए कि 80% स्टॉक अगर कम हो गया तो पैसे की कमी हो सकती है, तो डेट्स वाई उन्होंने कहा कि लाइक वो 20% जो एम्प्लॉय है उनको फायर करेंगे, साथ ही साथ जो हायरिंग वाला जो प्रोसेस है उसको वो थोड़ा स्लो कर देंगे एंड बेसिकली प्राइस जो है बेसिकली जो भी पेमेंट देना है वो सब का जो उनको बेसिकली किस तरीके से कम किया जा सकता है वो उन सब के ऊपर वो स्नैप्स जो कंपनी है वो देख रही है। बट जो भी गाइस इट्स अ ह्यूज ब्लो क्योंकि 20% एम्प्लॉय जो 6400 एम्प्लॉय है रातों रात उनकी जॉब जा सकती है, बट अब क्या कर सकते हैं। और गाइस तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि आता है फ्रॉम एप्पल। वो माय गॉड मतलब अभी रिसेंटली उन्होंने अपना आईफोन की न्यू सीरीज आईफोन 14 देन गाइस दो वॉच आई थिंक आई वॉच 8 एंड देन यूनिवर्सल समथिंग एंड देन अपना जो एयरबड्स प्रो का जो सेकेंड जनरेशन है वो निकाला है उन्होंने जो कि बहुत औसम है। लेकिन गाइस क्या आपको ये मालूम है कि लॉन्च के समय तो चलो उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है रिगार्डिंग वेबसाइट, मतलब एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इवन आफ्टर लॉन्च गाइस क्या हुआ कि जो अक्रॉस द ग्लोब बेसिकली नॉट इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब में एप्पल ऑफिशियल वेबसाइट इज सफरिंग फ्रॉम एन आउटेज। तो बेसिकली बहुतों का ये कहना था कि गाइस जब एप्पल का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है तब ये यूजरली है क्योंकि मोस्टली लोग पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं एट अ टाइम राइट।
लेकिन 9 to 5 मैं करके एक वेबसाइट उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये लाइक आफ्टर द प्रोडक्ट्स बेसिकली जब iOS 16 का ऑफिशियल पब्लिक रोल आउट किया जा रहा था तब की बात ऐसी हो रही थी। एंड आफ्टर दिस रोल आउट प्रॉब्लम ये हुआ कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है एप्पल का एंड देन जो ऐप स्टोर है बहुत सारे लोग उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, वो प्रॉपरली अपडेट लॉन्च नहीं हो रहा था, ओपन नहीं हो रहा था, किन्हीं किन्हीं को 404 एरर दिखाई दे रही थी। तो जब एप्पल वालों ने जब इस पर चेक किया तो उन्होंने ये देखा कि उनके सर्वर के एंड से तो गाइस कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। तो अभी तक ये एकदम अननोन है कि लाइक ये जो आफ्टर iOS 16 पब्लिक अपडेट का ये जो रोल आउट था उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो ये अभी भी एक मिस्ट्री है। लेट्स सी गाइस क्या होता है। ऑल राइट गाइस, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि आता है फ्रॉम साउथ कोरिया। आई नो गाइस आप साउथ कोरिया का नाम सुनते हैं या तो BTS बोलोगे या तो कोरियन ड्रामा की बात करोगे, राइट। सो गाइस हुआ ये कि जो साउथ कोरिया है उन्होंने अल्फाबेट गूगल के पेरेंट एंड देन जो मेटा प्लेटफॉर्म है फेसबुक के पेरेंट हो गए, ठीक है, उन पे गाइस प्राइवेसी वॉलेशन के रिगार्डिंग बिलियन ऑफ वॉन्स का जो फाइन लगा दिया है। एंड उन्होंने ऐसा बताया कि जो साउथ कोरिया वालों ने ये बताया कि ये जो प्लेटफॉर्म है गूगल कह लीजिए बेसिकली अल्फाबेट या मेटा, इन्होंने कोई प्योर नोटिस नहीं दिया यूजर्स को एंड उनकी अनुमति के बिना ही गाइस उनका इन्फॉर्मेशंस को लेके उनके बिहेवियरल को मैच करा के उनको कैसा चीज़ पसंद है तो उसके बेस पे उनको एडवर्टाइजमेंट शो कराया जा रहा है। मतलब उनका ऐसा कहना है कि उनका कोई कॉन्सेंट के बिना ही ऐसा हो रहा है एंड जो कि गाइस मोस्टली उनका इनकम वैसे ही चलता है कुछ, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने बोला गाइस एक वॉयलेशन है साउथ कोरिया वालों ने एंड इतने का फटका उनको लगा दिया, जिसमें से गूगल को उन्होंने बोला कि अगर हम इनको इन डॉलर में देखें तो ये आपको गूगल को पड़ता है $50 मिलियन एंड फेसबुक को समवेयर अराउंड 30.8 मिलियन का गाइस फाइन लगाया हुआ है। सो गाइस मेटा के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने ये कहा कि जो कमीशन साउथ कोरिया के जो कमीशन का डिसीजन है हमें बेसिकली वो उनकी रेस्पेक्ट करते हैं लेकिन दे आर नॉट एग्री विद द कमीशन डिसीजन कि इतना फाइन जो उनको लगाया जा रहा। तो वो बोले हम कोर्ट पे बात करेंगे मिलेंगे एंड इसको हम समझौता के अनुसार हम इसको मतलब सेटल कर लेंगे। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। ऑल राइट गाइस, तो हम चलते हैं हमारे लास्ट अपडेट की तरफ जो कि आता है फ्रॉम ट्विटर एंड वी ऑल नो गाइस ट्विटर को कौन लेने वाले थे, इलॉन मस्क। बहुत हल्ला चला था, इलॉन मस्क जो है ट्विटर को कब्जा कर चुका, ट्विटर को अब बेसिकली इलॉन मस्क ने खरीद लिया, शेयर होल्डर सबसे ज्यादा उनके पास है। तो गाइस ये न्यूज सही भी था लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स इन May 2022 इलॉन मस्क ने अपने हाथ खड़े कर दिए, ये कहा मुझे ट्विटर नहीं चाहिए क्योंकि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया था रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्पैम्स एंड द बॉट अकाउंट्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। लेकिन अब ट्विटर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने शॉर्ट कॉन्फ्रेंस कॉल किया फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर्स एंड उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं अब ये जो मामला है हम इलॉन मस्क को हमारा जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है वो बेच के ही रहेंगे। सो जो बात हुई थी $44 बिलियन की तो गाइस जितने भी ट्विटर के इन्वेस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि कोर्ट में हम लेके जाएंगे इसको एंड वहां पे हम इलॉन मस्क को इस ट्विटर को 44 बिलियन में खरीदो बोल के हम फोर्स करने वाले हैं। फोर्स कह लीजिए या समझौता गाइस, उन्होंने बोला है कि इलॉन मस्क को अभी ट्विटर बाय करना ही पड़ेगा। सो गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपका ये जो वीकली एपिसोड वाला सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आया होगा एंड बहुत सारे ऑसम अपडेट एंड न्यूज आपको पता चल गया होगा जो मे भी शायद आपको नहीं मालूम था। सो गाइस आपको ये सारे न्यूज कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड आपके पास भी कोई न्यूज हो तो मैं डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको दे दूंगा, वहां पे वी हैव अ टेक न्यूज वाला चैनल, वहां पे आप अपना न्यूज ऐड कर सकते हो, जो बेस्ट होगा मैं नेक्स्ट वीक का जो एपिसोड उसमें मैं ऐड करने वाला हूँ। ऑल राइट गाइस, तो वीडियो का एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर, लेट्स डू इट। सो गाइस मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।